कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए लोग वहां ही फंस गए और कई मजदूरों ने मौका पाकर पैदल ही चलकर अपने अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रदेश की सरकारें भी अपने क्षेत्र के मजदूरों व अन्य लोगों को लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मकरौनी के सात मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पेंदुती थाना अंतर्गत प्रशांत नगर में फंसे हुए हैं। वह मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, वहीं लॉकडाउन लगने के कारण वहां से नहीं निकल सके। साथ ही खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सभी ने दतिया विधायक व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाल कर अपने घरों तक पहुँचाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आजाद दोहरे है, ग्राम मकौनी जिला दतिया मध्य प्रदेश। हम सात लोग हैं और हम विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं और हम घर जाना चाहते हैं और हमारी गुजारिश है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से कि वो हमारी गांव जाने में व्यवस्था बनाएं। और हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है और ना ही हमारे पास पैसा है। हम सात लोग विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं। हमारी गुजारिश है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से कि वो हमारी घर जाने की व्यवस्था बनाएं। हम सात लोग आजाद, रविंद्र, राजू, शैलेन, राहुल, कौशल, भावना और हमारी बुआ जी हैं यहाँ पर, वो प्रेग्नेंट है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जरूरत पूरी करें। धन्यवाद। दतिया से यूडी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।